Students, how are you? I hope you are ready for study. So today's chapter is the holy gangas. So let's begin. From times Immortals India has been known to the world as the land of the great Himalayas and the Holy Gangas. Indian culture, right from the age of the Vedas, has been associated with rivers. The Tith stance. होली प्लेस आर सिचुएटेड ऑन ऑफ रिवर्स ऑन हाई माउंटेन स्टॉप एंड देर एसोसिएशन विद गॉड किंग्स रिशीज एंड वर्शिपर्स देर अबाउट द ऑरिजिन फ्लो चेंज ऑफ डायरेक्शन एट्रा तो ये चैप्टर बच्चे स्टार्ट हो रहा है कहाँ से इमोटियल है ना बहुत टाइम पहले से ही हम क्या है यहाँ पर जो हमारी लैंड है ठीक है हमारी लैंड है तो वहाँ वर्ल्ड के अंदर वो किस बेस पर जानी जाती है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इंडिया के अंदर ग्रेट हिमालयाज़ है होली गंगाज है हमारा इंडियन कल्चर है ठीक है और इसके अंदर बहुत सारी वेदास हैं और इतनी सारी एसोशिएट करती हुई रिवर्स हैं कि जिनके नाम भी हम याद रख सकते हैं और रिवर्स के बारे में आपको जानना भी चाहिए बच्चों तो यहाँ पे हमारे तीर्थ स्थान जो होते हैं यहाँ पर बच्चे तीर्थ स्थान का मतलब होता है जितनी भी हमारी होली प्लेसेस हैं जहाँ पर आप जाते हो ठीक है वर्शिपर्स के लिए तो वर्शिप के लिए आप जब जाते हो तो वहाँ पर होली प्लेसेस उनको बोला जाता है तो ये ज़्यादातर होली प्लेसेस जो है वो हमारी कहाँ पर है बैंक्स ऑफ रिवर के साथ में या हाई माउंटेन्स टॉप्स पर है आपने कभी देखा होगा कभी आप पूजा के लिए या फिर आप कहीं भी जाते हो तो आप देखते होंगे कि जितने भी हमारे जो टेम्पल्स बने हुए हैं तीर्थ स्थान बने हुए हैं वो माउंटेन्स पर हैं, या फिर वो रिवर्स के कहीं पर साथ में ही हैं। तो एंशियट बुक के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर लेजेंड्स ऑफ इंडियन रिवर्स के बारे में बताया गया है हमारे गॉड्स कौन कौन से हैं किंग्स हमारे रिशीज़ के बारे में हमारे वर्शिपर्स के बारे में और ऑरिजन मतलब होता है कि हमारा बेस है ना कहाँ से वो चीज़ स्टार्ट हो रही है फ्रॉम बिगनर तो वहाँ से बताते हैं ऑरिजन चीज़ों को फ्लो कहाँ से कर रहा है हमारा ऑरिजन और चेंज ऑफ डायरेक्शन के बारे में है ना सो ऑफ द ग्रेट रिवर्स बिकॉज ऑफ बूंस ऑफ द ग्रेट रिशीज़ और गॉड्स तो यहाँ पे बूंस का मतलब जो बच्चे बताया है इसका मतलब वरदान है ना तो ये सब चीजें हमें वरदान के रूप में मिली है आपने देखा होगा ये चीजें तो इंसानों तो ने तो बनाई नहीं है तो, तो किसने बनाई है ये बना रखी है नेचर ने नेचुरल है ना तो ये हमें वरदान के रूप में मिली हुई है ऑफ द ग्रेट रिशीज और गॉड से हमें ये चीज़ें मिली हैं द गंगाज हैज मैनी लेजेंड्स अबाउट इट्स ऑरिजिन एंड कोर्स इन इंडिया सम पीपल बिलीव दैट इट फ्लोड फ्रॉम द कमंडल सो कमंडल जो है यहाँ पे बोला गया बच्चे बिग जग फॉर होल्डिंग वाटर ऑफ ब्रह्मा एंड द लॉर्ड ऑफ क्रिएशन को सो एज़ इट फेल फ्राम हैवन मदर अर्थ कोड नॉट बियर इट्स माइ टी इम्पैक्ट एंड सो इट रेस्टेड ऑन दैड ऑफ लॉर्ड शिवा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड देन फ्लो डाउन टू द हिमालयास तो यहाँ पर जो गंगा है उसके क्या है बहुत सारे लेजेंड्स हैज मैनी लेजेंड्स अबाउट इट्स ऑरिजिन कहाँ से निकली हुई है वो है ना कहीं ना कहीं से तो कोई रिवर्स स्टार्ट होती है तो कुछ लोग बिलीव क्या करते हैं कमंडल है कमंडल मतलब मैंने अभी बताया जो एक बिग जग फॉर होल्डिंग वाटर जो किसका है ब्रह्मा का और ब्रह्मा कौन है लॉर्ड ऑफ क्रिएशन जिन्होंने ये सब चीजें बनाई हैं तो ब्रह्मा ने बनाई है ना ओके एज इट फेल फ्रॉम हेवन ये सब चीज़ें कहाँ से है हेवन मतलब होता है बच्चे स्वर्ग से उतर के आई हैं एंड मदर अर्थ जो हमारी मदर अर्थ है जिस पर आप रहते हो कुड नॉट बियर इट्स माइटी इम्पैक्ट एंड सो इट रेस्टेड ऑन द हेड ऑफ लॉर्ड शिवा जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जिन्होंने पृथ्वी को और आगे बढ़ाने का काम किया है तो उन बेस पर ये हिमालय से फ्लो करती हुई नीचे आती हैं अनदर पॉपुलर नेम ऑफ गंगा इज भागीरथी एज इट वॉज किंग भागीरथ के नाम से जाना जाता है न ऑफ द लॉर्ड रामाज एंडसेस्टर्स जो एक लॉर्ड हमारे जो लॉर्ड हुए हैं नाम पता होगा आपको जिनको राम जी बोलते हैं या रामा एंडसेस्टर्स हुए हैं तो वहाँ के भागीरथ नाम से ही भागीरथी नाम का उद्गम हुआ है और वहीं से वो पॉपुलर हुई है सो so, after long penance and the worship brought the river down to the earth? He did so that the souls of the ancestors could be freed from their sins and they could

द सेंस ऑफ ह्यूमिनिटी तो गंगा को बच्चे हम क्या मानते हैं एक अपनी मदर के रूप में वो रिवर है है ना और वो क्या काम करती हैं अगर हम उसमें नहाते हैं तो हिंदू का ये बिलीव है कि हम उसमें नहाएंगे तो हमारे जो सेंस सेंस होता है बच्चे पाप तो पाप वॉश ऑफ हो जाएंगे उसमें धुल जाएंगे ठीक है तो हम यहां से कहां से स्टार्ट करने वाले हैं कि गंगा जो है वो एक ब्यूटीफुल वीमेन है है ना और वो उसने जो शादी की है वो शादी की है शांतनु से शांतनु कौन थे एक राजा थे ठीक है और फिर उनसे पैदा हुए थे देवर जिनको भीष्म के नाम से जाना जाता है और महाभारत में वो एक बड़े योद्धा के रूप में जाने जाते हैं आपने सुना होगा भीष्म के बारे में है ना तो उनकी प्रतिज्ञा के बारे में भी सुना होगा बिसाइड द लेजेंड्स एंड रिलीजियस बिलीव द गंगा फ्लोज ओवर वास्ट प्लेन स्ट्रेचिंग फ्रॉम हरिद्वार द होली गेट फॉर द अबॉर्ड ऑफ गॉड्स इन हिमालयाज सो कॉलकेटा मैनी ऑफ ट्राइबूट्रीज ज्वाइन द मेन स्ट्रीम तो यहाँ पे बताए गए हैं ये भी है इसके अलावा कि जो रिलीजियस बिलीव्स है वो है गंगा जो फ्लो करती है वास प्लेन पर और वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है ना और स्ट्रेच करती है हरिद्वार में भी हरिद्वार में मेन है ना कभी आपने सुना होगा कि वो एक होली गेट के नाम से जाना जाता है और वहीं पर लोग स्नान करने के लिए भी जाते हैं और बहुत सारी हमारी ट्राइब्यूट्रीज हैं जो ज्वाइन करती हैं मेन स्ट्रीम को बींग स्नो फैड रिवर्स द गंगा फ्लोज ऑल द ईयर्स राउंड इट्स फ्लडेड ड्यूरिंग द ईयर्स राउंड इट इज फ्लडेड ड्यूरिंग द रेन्स कॉजिंग अब ये बहुत सारी चीजें हैं बच्चे कि गंगा रिवर जो है वो क्या होता है कभी कभी अपने ऐसे उग्र रूप में आ जाती है कभी आपने देखा होगा बारिश होती है तो उस टाइम पे फ्लड भी आ जाती है फ्लडिड हो जाती है बहुत ओवरफ्लो हो जाती है ठीक है और वो प्लेन्स एरिया में कई बार ज़्यादा पानी उसमें आ जाता है जिसकी वजह से नुकसान भी होता है लोगों को कई बार उन चीज़ों में डिजास्टर के रूप में भी वो आ जाती हैं सो कॉजिंग हैव वर्क फॉर मैन मटीरियल कैटल्स क्रॉप्स एट्सेट्रा जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाती है ये कॉज बन जाती हैं जिसकी वजह से वो रीज़न की ये जो बताया है मैंने कि फ्लडिंग की वजह से क्या क्या चीज़ें जो खतरे में पड़ जाती हैं जिनको नुकसान होता है तो वो है मैन मटीरियल कैटल क्रॉप्स ऐसी चीज़ें So, for utilizing the ever flowing water of the Gangas, we have many long running canals, especially in Uttar Pradesh, which carry water to the fields through broad and small canals for agriculture. और यहाँ पर जब हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर स्पेशली उत्तर प्रदेश के अंदर क्या क्या लेकर आती हैं वाटर लेके आती हैं फील्ड्स में जैसे खेतों में पानी दिया जाता है उनसे है ना स्मॉल कैनाल के रूप में है ब्रॉड कैनाल्स के रूप में है एग्रीकल्चर के लिए यूज की जाती हैं बट फॉर द गंगाज एंड इट्स कैनाल्स वी कुड नॉट हैव रिच क्रॉप्स ऑफ वीट ग्राम शुगर केन पर्सेज एट्सेट्रा ठीक है द रिवर्स दज इज अ बून फॉर द प्रस्पेरिटी ऑफ इंडिया तो इस तरह से जो गंगा रिवर है इतनी सारी चीजें हम उसमें ग्रो करते हैं ना जैसे पीट ग्राम शुगर केन पल्सिस तो ये हमारे रूप में क्या है हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर ये हमारे लिए ह्यूमन्स के लिए एक वरदान के रूप में एक बून के रूप में है द गंगा इज नॉट ओनली यूज फॉर बैदिंग एंड होली डेप्स बट इन बिहार एंड बंगाल इट्स डीप्स वाटर्स ऑल्सो यूज फॉर नेविगेशन के लिए भी नेविगेशन के लिए भी इसका यूज किया जाता है दिस प्रोवाइड चीप ट्रांसपोर्ट फॉर क्रॉप्स एंड गुड्स तो चीप ट्रांसपोर्ट के रूप में भी हम इसका यूज़ करते हैं जिसके लिए में क्रॉप्स के लिए गुड्स के लिए इधर उधर लेके जाना ट्रांसपोर्ट के रूप में भी हम गंगा रिवर को यूज़ करते हैं स गंगाज विद इट्स होली प्लेसेस यूनाइट्स इंडियन थ्रो रिलीजियस बिलीव प्रोवाइड्स पैनियल वाटर्स एंड ब्रिंग्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी वी कैन दस इजीली इमेजिन व्हाट इंडिया वुड बी विदाउट द गंगा तो हम बहुत सारी चीज़ें हैं हाँ, होली प्लेसिस को माने ठीक है गंगा रिवर को कैसे हम बूंद के रूप में यूज़ कर रहे हैं कैसे ट्रांसपोर्ट के रूप में भी गंगा रिवर हमारा साथ देती हैं और ऐसे ही बहुत सारे रिलीजियस बिलीफ्स हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि गंगा रिवर के बिना इंडिया को तो एक छोटा सा चैप्टर था जो गंगा रिवर है तो उसकी इम्पोर्टेंस को यहाँ शो करता है तो बच्चे पढ़ेंगे रीड आउट करेंगे और इससे रिलेट करती है एक्सरसाइज टू य